कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। अस्सलाम वालेकुम। ये संदेश मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है। महामारी के समय में रमजान का पवित्र महीना हमारे सामने है। इस महीने की इबादत मानवता को इस गंभीर संकट से मुक्त कर सकती है। चूंकि नोवल कोरोना वायरस शारीरिक संपर्क से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जिस्म की दूरी इससे बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। काबे में पिछले 2 महीने से तवाफ निलंबित की गई है और मस्जिद नबीवी मदीना में और अन्य मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने की मनाई की गई है। भारी बारिश या मौसम की खराबी के दौरान पैगंबर साहब ने भी मुअज्जिन को ये ऐलान करने के लिए कहा था कि किसी भी मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है और फ़र्ज नमाज घर पे ही अदा की जानी चाहिए। आप लोग ये याद रखें कि कोरोना की महामारी खराब मौसम की तुलना में कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये भी याद रखें कि इस वक्त लापरवाही भरे व्यवहार से अगर किसी को नुकसान या किसी की मौत हो जाती है तो कानूनी तौर पर तो ये एक गंभीर अपराध होगा ही और इस्लाम के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हमारी लापरवाही के गंभीर सामाजिक नतीजे भी हो सकते हैं। आइए उन गलतियों को ना दोहराएं जिससे हमारे मजहब, हमारे समुदाय, हमारे शहर या हमारे राज्य को संदेह या शत्रुता की नज़र से देखा जाए। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करें। रमज़ान के महीने में हम में से कई भाई तरावीह की नमाज के लिए उत्सुक होंगे। हम जानते हैं कि ये फ़र्ज नहीं है। जब मस्जिद में जमात के फ़र्ज नमाज अदा नहीं हो रही है तो तरावीह के लिए मस्जिद में जाने का कोई कारण नहीं है। कृपया याद रखें कि तरावीह एक तरह से तहज्जुद या कलामुल्लैल है। अन्य दिनों की तरह इसे भी घर में एकांतता में अदा किया जा सकता है और ऐसी गंभीर परिस्थिति में तो इसको घर पे ही अदा किया जाना चाहिए। हदीस और इस्लामी परंपराओं के अनुसार महामारी, युद्ध और मानव संकटों के समय में साथ ही अगर उनमें से किसी खतरे से डर है तो मुसलमान घर पर नमाज अदा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, मानवता एक गहरे संकट से गुजर रही है। गरीबी और भूख जनता को परेशान कर रही है। अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका मानवता और लोगों की सेवा करना है। ज़कात से बेहतर कोई सेवा नहीं है। आइए इस रमज़ान में भूखे को खाना खिलाकर, ज़रूरतमंदों की मदद करके और दूसरों की जान बचाकर इस इबादत भरे महीने को और पवित्र बनाएं। रमादान करीब।